जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 10वीं का आप लोग का 12 तारीख का होने वाला आपका जो है इंग्लिश का पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आपका 12 तारीख को यही पेपर आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा और एक कापियाँ आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आप लोग का एक कापी और एक पेपर दिया जाएगा आप लोग को क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो फाइनली इस पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोग को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लो। और 9 से लेकर 12 तक का पूरा पेपर से आप लोग का यहाँ पर देख लो, पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है। तो ये पेपर पूरे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पूरा पेपर है 12 तारीख का, 9वीं से लेकर 12वीं तक के। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपलोड होने जा रहा है तो इसी चैनल पर होगा, ठीक ना। इसी चैनल पर आपका पेपर अपलोड होगा, आप लोग को इसका लाभ मिल पाएगा। अगर आप लोग को पेपर का PDF चाहिए ना, तो आप लोग को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके आप लोग को फाइनली उसमें ऐड हो जाना है। क्या हो जाना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें ऐड हो जाना है, आप लोग को पूरा चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद चलिए ना इसका देख लेते हैं। 75 पूर्णांक है आप लोग का, 8 पेज का रहेगा, 16 क्वेश्चन रहेगा, 3 मिनट समय रहेगा। आपका सीरियल कोड है ना, इसको आप अच्छे से सर्च कर सकते हो। आपका पेपर जो है आपके साइट पर से मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा, जो कि प्रिंसिपल के पासवर्ड द्वारा मिलेगा। तो आपका जो है इंग्लिश का पेपर का एक कोड है, आपको इस निर्देश को देखना है और ये पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना है, मैंने पढ़ और समझ लिया है, आप भी पढ़ और समझ सकते हैं। इसके बाद आपका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। आपका क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर सोलर पैनल से द्वारा रोपित वेरी लिटर जो है टाइटल, यहाँ पर सोलर पैनल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन से है, दूसरा नंबर सोलर पैनल्स लिखा है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर गिव द यहाँ पर होम्स फ्रॉम द वर्ड्स आप यहाँ पर लिखा है, तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस चौथे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाँचवें का इस प्रकार से आपका सोलर पैनल्स इसमें भी है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको विश्वास अगर नहीं है तो लो आंसर को स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट, चलिए अगला देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसको भी आप उसी प्रकार से लिखना होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज करेक्टफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यू मस्ट हैव आप लोग को हार्ड द नाम ऑफ द रेड क्लासेस, यानी कि इसका मतलब है इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और समझना है। मैंने पढ़ लिया है और समझ लिया है, आप भी पढ़ और समझ सकते हैं। इसके बाद आपका जो है डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, आपका रेड क्लॉस आप लोग का सोल्ट्री लिखा है एंड आई इज द आंसर, आप लोग को इसका 4 ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, यानी कि नोट्स एंड टाइटल लिखना है। तो इसका राइट आंसर चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा पहले का और दूसरे का, इस प्रकार से नोट्स एंड टाइटल आप लोगों को बना लेनी है। इस प्रकार से आपका नोट्स और टाइटल होगा टोटल 4 नंबर का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग को एक सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पर लिखना है, नो जो है एप्लीकेशंस आप लोग को किस पे लिखना है, आप लोग को लिखना है जो कि
टैकिंग पर लिखना है आप लोग को एमपी, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है ये, इसको लिख लेना है चौथे नंबर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा फटाफट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन लिखना है किसी एक पर, इम्पोर्टेंट आप टेरिज पर भी लिख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन किसी एक पर भी। तो आपका इम्पोर्टेंट आप टेरिज, उसके अर्थवे का नहीं चाहिए, तो आप लोग को इम्पोर्टेंट आप टेरिज पर देखिएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार से आपका अगला है यहाँ पर पोस्टर्स, इसको भी आप लोग को पैसेज की तरह लिखना है देख के, तो उसका कुछ इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका है वे खाली स्थान टू फ्लो द, आप लोग का क्या है, एक आप लोग को चार ऑप्शन से यहाँ पर दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर भी यहाँ और ये हो जाएगा, पहले में यहाँ पर ये हो जाएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठवें, तो आप लोग का छः है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगी तो ये आप लोग का स्क्रीन शॉट ले लो। इस प्रकार से अगला है डू अ डायरेक्ट करके दिया है आपका आठवीं क्वेश्चन में, पूरा उसका राइट आंसर ये है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, इससे पूरे अंक आप ला सको। तो इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसको भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आप लोग को टिक वन, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपका दसवें क्वेश्चन में है, दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले का दसवें में पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले का सी, दूसरे का सी, और तीसरे का ऑप्शन नंबर तीसरे का ए। इस प्रकार बी नंबर देख लो दसवीं का, पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का सी, दूसरे का भी, तीसरे का भी सी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर आता है, चलिएगा क्वेश्चन आंसर को भी देख लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ये देखिएगा पहले में है वाडी लेंचो एल्ट फॉर, इसके बाद अवार्ड जा आप लोग को मैंने आप लोग को ये लिखा हुआ है देख लो। इसके बाद इसका राइट आंसर उसके का नौवे का दसवें का, इस प्रकार से आप इसका पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लो, बारहवें का भी क्वेश्चंस, तेरहवें का भी देख लो स्क्रीनशॉट ले, चौदहवें का, पंद्रहवें का, पूरा आप याद करके जाइए अभी से। तो बारह तारीख का पेपर पूरा मैं है आपका कक्षा दसवीं का विषय इंग्लिश का कंप्यूटर हल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया, आशा है कि वीडियो आप लोग को पसंद बहुत अच्छे से आया होगा। इसका जो है आप फुल सॉल्यूशन लेना चाहते हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पेपर पीडीएफ जो भी चाहिए टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।